अच्छा, लोग कहते हैं कि टाइम मशीन ईजाद नहीं हो सकती, टाइम मशीन एक्चुअली ईजाद हो चुकी है। अगर आप कराची एयरपोर्ट उतरे तो आप 30 साल पीछे चले जाते हैं। हाँ भाई, ये मैं एंकल ब्रेसलेट लेने आया था तो मेरी नज़र पड़ी बेबीज DHA। अबे क्या बच्चों का भी DHA आ रहा है अब? हाँ जी, जिधर जाएं इंडियंस क्रिकेट खेल रहे हैं, शायद अगले वर्ल्ड कप की टीम तैयार कर रहे हैं। मेरी खिदमात पे, तालीमी खिदमात पे फाद भाई ने मुझे एक बिटकॉइन दिया है, बहुत शुक्रिया $36,000 देने का। स्ट्रेसिंग ओवर के पार्किंग लगानी है। देखो ये टेंशन होती है यहाँ पे कि भाई पार्किंग लगानी है, नहीं तो फाइन पड़ जाएगा। अक्सर मैं बाप का सड़क है, बी सड़क में लगा के चले जाओ। हाँ भाई, क्या है भैया, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुबई में, बिकॉज आई एम हेयर टू कवर बंगला T10 जो कि अबू धाबी में होती है, और उनकी एक टीम बंगला टाइगर्स ने आपके भाई को ऑफिशियली साइन किया है टू मेक एक्सक्लूसिव कंटेंट फॉर देम। सो आने वाले दिनों में आपको मस्त किस्म की चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। बंगला टाइगर्स के कैप्टन शकीब उल हसन है, साथ साथ उसमें अगर हम अपने प्लेयर्स की बात करें तो भाई साहिब अयूब हैं, इफ्ती चाचू हैं और आजम खान हैं। तो उनके साथ फुल शशके करने हैं, इंजॉयज करना है, जिमिंग भी करनी है, खाने शाने भी खाने हैं, मज़े का कंटेंट आने वाला है। लेकिन उससे पहले इस वक्त मैं दुबई में हूँ, थोड़ा एक दो दिन सोचा खुद की चिलिंग करूँ। इस्लामाबाद में ज़रा पैर हमारा मुड़ गया था नाजुक सा, और वो सूज गया और हमने उसको रेस्ट नहीं दिया, तो दो दिन से मैं इधर ही हूँ। और आज मैं थोड़ा बहुत बाहर निकलूंगा तो सोचा आप लोगों के साथ जरा जर्नी पूरी शेयर करें। और कल मैं पहुंचा दुबई तो भाई फुल टाइम बिजनेस क्लास के शशके करवाए हमें बंगला टाइगर्स ने, और बड़ा आरामदेह सफर रहा। वैसे भी सवा घंटे की फ्लाइट ही होती है, गली वली उसमें क्या ही फील होता है। तो आके कल बैठ के फुल आइसिंग वाइसिंग की पैर की, तो चलिए चलती रही। तो आइए चल के व्लॉग देखते हैं और देखते हैं आज दुबई में क्या होने जा रहा है। भाई मैं एयरपोर्ट पे ना जरा इस तरह आता हूँ डीकोए में, तो रहमान भाई हैं पेशावर से, उन्होंने बोला आपको देखा देखा लग रहा है रहमान भाई, आपने देखा देखा लग रहा है। फिर जब मैंने यूं किया तो कह रहा है क्या बोला आपने, वैसा भी मैं पहचाना कि मैंने कभी देखा है। हाँ। आप बोला कि मैं ख्वाबों में आता हूँ। तो भाई इससे पहचाना। अच्छा, लोग कहते हैं कि टाइम मशीन ईजाद नहीं हो सकती, टाइम मशीन एक्चुअली ईजाद हो चुकी है। अगर आप कराची एयरपोर्ट उतरे तो आप 30 साल पीछे चले जाते हैं। ये दुबई एयरपोर्ट है, ये अब उतना नया नहीं रहा, इसको भी अच्छा खासा टाइम हो गया है। अब बेसिक सी चीज़ है, अब ये देख रहे हैं आप कन्वेयर बेल्ट है, सामान इसमें आ रहा है। अब ये इसका शेप इस तरह है और ये यहाँ से उठा हुआ है कि जब यहाँ से बैग आके गिरता है तो वो नीचे नहीं गिरता। कराची एयरपोर्ट पे क्या है, वो सीधी बेल्ट है 40 साल पुरानी, और वो आड़ी टेढ़ा बैग आता है, वो टकरा के जब कहीं गिर जाता है, अब पैसेंजर वहाँ खड़ा है, उसका बैग यहाँ गिरा हुआ है, उसको पता ही नहीं है, पूरी फ्लाइट खाली हो गई, फिर पता चलता है बैग वहाँ रोड़ा हुआ था। अब ये इतनी बेसिक सी साइंस है कि भाई यहाँ को थोड़ा सा उठा दो ताकि बैग गिरे भी तो नीचे ना गिरे। अब इसको करने के लिए ना सिर्फ विल चाहिए, इसमें कोई 10 करोड़ का बजट भी नहीं चाहिए। खैर, वो हमारे वाले बना देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बस एक थोड़ी सी विल चाहिए कि यार पैसेंजर जो आ रहा है 17-18 घंटे की फ़्लाइट लेके, उसको थोड़ा सा हम रिलीफ दे सकते हैं अगर हम ये बेसिक सी एक चीज़ कर लें। लेकिन नहीं, हमारे मुल्क का मकसद ये है कि लोगों को सताओ रुलाओ, और वो जो है ना आके पछताएं कि हम यहाँ आए क्यों हैं, और एयरपोर्ट से ही पछताना शुरू हो जाए। अब जैसे देखिए ये बैग आ रहे हैं और वो सामने, अच्छा उसमें सेंसर्स भी लगा हुआ है कि अगर ट्रैफिक जाम है तो रुकेगी बैग, जैसे ये रुकी हुई थी वो आराम से गिर रहा है बट ज़मीन पर नहीं गिर रहा। बेसिक इंजीनियरिंग। अच्छा, काले पीले नीले बड़े कॉमन बैग हैं, बैग जैसे लेंगे दूर से नजर आ जाए कि मेरा ही बैग है, यूनिक। खैर, इस्लामाबाद में जब से पैर मुड़ा है भाई, फूक फूक के कदम रख रहा हूँ। आई एम जस्ट लुकिंग फॉर फार्मेसी, रात के 2:30 बज रहे हैं। वो एंकल ब्रेस होता है यार, वो पहन के सोना है। बाय द वे, ये नई मस्जिद बनी है सतवा के पास एंड इट्स सो मैग्निफिसेंट माशाल्लाह। मैंने नोटिस किया है यहाँ मिडल ईस्ट में, खास तौर पर दुबई की अगर बात करें तो यहाँ मस्जिदें सिर्फ ग्राउंड लेवल की होती हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ऐसे नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी होती हैं। और जुमेरा रोड की ख़ास बात एक ये है कि जो मेन जुमेरा रोड है वहाँ पे आप किसी भी पॉइंट पे खड़े हो जाएं, राइट फ्रॉम वेयर इट बिगिंस ऑल द वे टू बुर्जुल अरब, किसी भी पॉइंट पे खड़े हो आपको एक मस्जिद ज़रूर नज़र आएगी, दैट्स द बेस्ट पार्ट। रात के 2:30 बज रहे हैं एंड दिस इज़ व्हाट आई रियली एंजॉय, जब दिल किया
निकल गए पैदल दुनिया भर में कहीं पे भी, बस ये फैसिलिटी अपने शहर में नहीं अनफॉर्चुनेटली। खैर मौसम बेहतर है, नवंबर है और नवंबर में आम मौसम अच्छा हो जाता है, रौनक शौनक भी है, हालांकि वीक नाइट है। हाँ भाई, मैं एंकल ब्रेस लेने आया था तो मेरी नज़र पड़ी बेबीज़ DHA, अबे क्या बच्चों का भी DHA आ रहा है अब। अच्छा भाई, सतवा में याद आया, यहाँ पे एक अलमुल्ला के नाम से होता है शवरमा, इट्स वन ऑफ द बेस्ट शवरमा, और उसका जो एवोकाडो शेक है, अरे भाई अगर शादी नहीं हुई तो मत पीना भाई, गड़बड़ेंगे। अलबैग भी है यहाँ पे, चलो मॉल में लाइन में लगने से बेहतर है कल दिन में यहाँ आके खा लूँगा। सो या एवोकाडो शेक लाइफ बदल देगा भाई, बहुत मज़े का। जो लोग 2000s के बाद पैदा हुए हैं, ये एक चीज़ होती थी, इसको पे फ़ोन बोलते थे, दुनिया भर में लगे होते थे, कराची में भी होते थे, टेलीकार्ड, टेलेक्स, टेलिप्स, तीन कंपनियाँ, 300 रुपये का कार्ड लो, जानू को फ़ोन लगाओ, क्योंकि घर से कर नहीं सकते थे, घर में अलाव नहीं था, या अगर घर में टेंशन नहीं है फ़ोन करने की तो CLI कॉलर ID जब आ गया था तो सामने पता चल सकता था भाई कहाँ से फ़ोन आया है। तो अगर आपने किसी को रैंडम फ़ोन करना है, जैसे अब रैंडम DM में घुस जाते हो, वैसे लोग रैंडम फ़ोन कर लिया करते थे इस ज़माने में, तो फिर ये काम आता था लोगों के लिए, लोग इससे करते थे आपसे बात करनी है, आपको फलाने मेले में देखा था, फलानी दुकान, अरे भाई वो भी अलग दौर थे। और इस पर एक बड़ी सैड सी वीडियो है, न्यूयॉर्क का आखिरी पे फ़ोन जब उखाड़ा जा रहा था तो बाकायदा मीडिया वहाँ पर आया हुआ था, बिकॉज पे फ़ोन यूज़ टू बी अ थिंग। अगर आप 90s वगैरह की मूवीज़ देखें तो उसमें यार कॉलिन फेरल की एक बड़ी अच्छी फिल्म थी फ़ोन बूथ के नाम से, मुझे बड़ी पसंद थी। वो एक बंदा होता है, उसने उसके पास स्नाइपर होती है और वो थ्रेट कर रहा होता है कि टाइम्स स्क्वायर में मैं खिड़कियों से गोली मारूंगा, और कॉलिन फेरल फ़ोन पे लगा होता है। इट वॉज़ अ वेरी इंटेंस मूवी, गुड मूवी, अच्छा टाइम पास अपने वक्त के हिसाब से। तो फ़ोन बूथ नाम ही था, तो फ़ोन बूथ यूज़ टू बी अ बिग थिंग। और मूवीज़ में आपने देखा होगा लोग पटक रहे हैं, मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो या फ़ोन बूथ होते थे किसी ज़माने में। अच्छा, इस स्ट्रीट का नाम है 2nd December Street। 2nd December को ये तमाम इमारात जो हैं ये सब अलग अलग रियासतें हुआ करती थी, और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के मशवरे पे ये सब यूनाइट हुई थी। 2nd December इनका यूनिफिकेशन डे मनाया जाता है, तो 2nd December यहाँ का 14 अगस्त है। इतना रश होता है, आपकी सोच है किस तरह ये लोग मनाते हैं। इस पर ज़रा रहनुमाई कीजिएगा कि वॉज दैट रियली भुट्टो का विजन, या फिर यहाँ पे भी था एंड ही प्लेड सम पार्ट, तो फैक्चुअली करेक्ट होना ज़रूरी है। हाँ, उनका एक ख्वाब ज़रूर था कि मुस्लिम उम्मा यूनिफिकेशन हो, जिस तरह यूरोप आज एक करेंसी है, अंडर वन लॉज ट्रैवलिंग ईजी है, तो उनका एक ख्वाब था कि मुस्लिम उम्मा यूनिफिकेशन होनी चाहिए, विच इज़ वाई OIC बनी। OIC का आई थिंक पहला जो इजलास था वो लाहौर में हुआ था, विच इज़ वाई कदाफी स्टेडियम इज कॉल्ड कदाफी स्टेडियम, इट वॉज नेम्ड आफ्टर मुअम्मर गद्दाफी, राइट। तो फिर उसके बाद ऑयल एम्बार्गो हुआ, जब सऊदी ने ऑयल देने से इनकार कर दिया और बड़ा मसले मसाइल हुए, इसके बाद CIA ने बोला भाई हमको ये मांगता ही नहीं है, तो एक एक करके सारे हटा दिए गए। तो ये बड़ा सीन है भाई, इसलिए जो आज लोग कहते ना कि कोई उठता क्यों नहीं लीडर, मिसालें सामने छोड़ी हुई हैं, उठ के दिखाओ, तो ये वजह है यार, बड़ी सारी वजह है। हमें सुपरफिशियली लगता है ये कर लो वो कर लो, अगर डीप डाउन बड़े मसले हैं। हाँ जी, सो वी आर आउट एंड अबाउट विद दिस लवली जेंटलमैन मिस्टर फादी ऑल द वे फ्रॉम टाइम्स स्क्वायर, और अभी हम जा रहे हैं खाना खाने। हाँ जी, जिधर जाएं इंडियंस क्रिकेट खेल रहे हैं, शायद अगले वर्ल्ड कप की टीम तैयार कर रहे हैं। खैर, हम जा रहे हैं अलबैग खाना, और फाद भाई कुछ प्रेजेंट करना चाह रहे हैं मुझे, मेरी खिदमात पे, तालीमी खिदमात पे। फाद भाई ने मुझे एक बिटकॉइन दिया है, बहुत शुक्रिया $36,000 देने का। अब चलते हैं हम अलबैग खाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और देखते हैं क्या सीन है। ये वैसे सतवा का इलाका है, जैसे कल रात को भी आपको बताया था मैंने, बड़ा हिप एंड हैपनिंग एरिया है। यहाँ पे एक रावी रेस्टोरेंट है, रावी ऐसे दुबई में बहुत सारे, अच्छा कुछ लोग उसको रवि बोलते हैं, कुछ लोग रावी बोलते हैं। जो यहाँ वाला रावी है, फॉर सम रीज़न वो इतना फेमस है, बड़े गोरे आते हैं वहाँ पे खाना खाने। किसी ने किसी ज़माने में कोई ब्लॉग, जब वीडियो लॉग नहीं होते थे, ब्लॉग होते थे, तो किसी ने ब्लॉग लिख दिया, और अब जो भी गोरा आता है वहाँ ज़रूर खाना खाता है। सो यस, ये सतवा की वाइब्स हैं, और ये अलबैग सामने हैं, तो हम अलबैग जा रहे हैं। वी आर हियर एट अलबैग, दुबई मॉल में लाइनों में लगने से बेहतर है बंदा सतवा में आके आराम से खा ले।
क्या हाल है जी? बहुत ठीक हाल, बहुत बढ़िया। ओके भाई, अलबैक में ऑर्डर किया है और शादी भाई क्रिप्टो से पेमेंट करेगी। भाई कहानी में ट्विस्ट ये है कि जो अलबैक का फेमस ब्रोस्ट है वो आज भी आपको दुबई मॉल में ही मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ थाइस नगेट्स और फिश के आइटम है। हाँ जी, एक तो करना होता है अलबैक, कर लिया। वैसे आई एम नॉट मच ऑफ अ फैन, है ना भाई? इतना नहीं है। चिकन में रंग भरा हुआ है वो वाली चीज़ नहीं। अच्छा, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जाएंगे आई थिंक रूफ टॉप ऑफ वर्ल्ड, पूल पे बैठते हैं, पूल पार्टी करते हैं। चलो जी, ओके। अच्छा ये कल जो मैं आपको बता रहा था अलमल्ला, ये सामने कोने पे लिखा हुआ है, इसका शवरमा और एवोकाडो शेक। ओए होए होए When the time is right and I'm not alone, I will conquer this and bring you home. When this world has stopped and the breeze is up, when the time is right, I'll sing you a song. आज ही सवेरा एट फादीज ऑफिस ज़रा काम चल पे आए हैं। फादी जो है एआई टेक्नोलॉजी पे बहुत काम कर रहे हैं, यहाँ पे बड़ा एक्शन चल रहा है आजकल और पूरा सेटअप है। क्या क्या करते हैं भैया आप लोग यहाँ पे? वी हैव आवर ओन टोकन, वी डू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स, एनएफटी एंड देन अपकमिंग टेक्नोलॉजीज। अल्ली बल्ली भाई, फीफा लगा मेरे को, फीफा खेलना है इधर बस इस स्क्रीन पे। हाँ, इसका मज़ा ही अलग है। ओके भाई, ऑफिस पे लिया छोटा सा ब्रेक और फादी ने गाड़ी की चेंज। अब हम जेनेसिस में हैं और हम फिर आवारागर्दी करने निकल रहे हैं। ऑलराइट जी, हम 64 पे लगा के 64वें फ्लोर पे आए। ऑलराइट जी, 60वें फ्लोर पे आ गए हैं और क्या ही नज़ारे हैं यहाँ से अगर हम देखें। शहर है ये कोई? नहीं, जरा भी नहीं। कराची है ना, लुक एट दिस, कराची से 1.25 घंटे दूर दुनिया ऐसी हो जाती है। आज ही कोई लगभग घंटा इधर बैठ के आराम से चिल करने के बाद हमने डिसाइड किया कि कुछ और करते हैं। अभी भूख तो नहीं है डिनर वाली, लेकिन चलते हैं। अच्छी मनोरंजन रही है। 100 दिरहम में आपको ये सब मिल जाता है। 100 दिरहम में कराची में कुछ नहीं मिलता। एंड वी जस्ट कैजुअली वॉक एंड इट्स नॉट लाइक कि इसके लिए कोई स्पेशल पास चाहिए, कुछ चाहिए। मतलब वाइब भी होनी चाहिए, इंसान के अपना स्वैग भी होना चाहिए, क्यों भाई? ऐसे थोड़ी जो भी मुँह उठा के अंदर आ गया। चलो भाई, नेक्स्ट स्टॉप देखते कहाँ है। आज वी आर एट वेरी लाइवली करामा और कुलचा किंग। मुझे याद आया पंजाबी कुलचे वहाँ मिलते हैं ज़बरदस्त। और फात भाई जो हैं इज़ स्ट्रेसिंग ओवर
ओके पार्किंग लगानी है, देखो ये टेंशन होती है यहाँ पे कि भाई पार्किंग लगानी है नहीं तो फाइन पड़ जाएगा। अक्सर में बाप का सड़क है, बीस सड़क में लगा के चले जाओ, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है यहाँ पे भाई। जहाँ जहाँ जा रहे हैं फाज भाई लगे पड़े हैं, पार्किंग भरे जा रहे हैं, पार्किंग भरे जा रहे हैं। दुबई कमाया जा रहा है, कमाया जा रहा है लाखों करोड़ों दिरहम्स खाली पार्किंग कीमत में। खैर यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है, बहुत हमें मुश्किल हुई आने में, तो हमने डिसाइड किया थोड़ा दूर ही रुक जाते हैं और बस यहीं से जाते हैं। सो अब हम पैदल जा रहे हैं कोई 300-400 मीटर कुलचे खाने ऐसे। बाकी आप सोच रहे होंगे कोई मिलाद हो रहा है या किसी का ब्याह हो रहा है, नहीं भाई ये सुपरमार्केट है और ये ऐसी सजी रहती है साल के 365 दिन। जब आप अच्छा खासा पैसा बना रहे होते हो आप खुल्लम खुल्ला लाइटें भी लगा रहे हो तो कोई मसला थोड़ी होता, गली वल्ली आ जाए फिर कमा लेंगे। तो हम ही हैं जो रुक रुक के बल्ब बंद कर करके चल रहे होते हैं भाई। लंडा हर जगह होता है, यहाँ पे भी ये पॉप अप लंडा मुझे नज़र आ रहा है। नो इट्स नॉट लंडा, ये लोगों को आई थिंक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दी है, स्टॉल्स लगे हुए। तो देखो ऊपर ट्रेन जा रही है, देखो भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ये फ़ायदा होता है इंसान यहाँ ना फंसे और गैस सॉरी पेट्रोल ना ज़ाया करें। अमरीका में गैस बोलते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लो गली वली निकल जाओ। हम 45 अरब डॉलर का तेल इंपोर्ट इसलिए करते हैं, सारी बाइकें फंसी हुई होती हैं। अरे ये बनाने का था भाई। हाँ जी तो पहुँच गए ये पंजाब 24 प्योर वेज 24/7 खुला होता है भाई। इस बहुत हैपनिंग एरिया करामा, ये बहुत पुराना बर्गर किंग है और इन्होंने बोर्ड ही नहीं चेंज किया बेचारा। ये लाल होता था मरून हो गया क्या, ये आ गया कुलचा किंग, कुलचा किंग चेंज हो गया पहले ग्रीन होता था, ये भी 24 आवर। अबे भाई सोते ही नहीं करामा के लोग। चलो भाई कुलचा खाते हैं। सब हमारे कुलचे आ गए हैं, ये चिकन कुलचा है साथ में सॉसेज है, मज़े की अचार है और ये आलू का वो मज़े का लग रहा है। चेक करें आप, ओह फुल पंजाबी वाइब्स। चले भाई डाइविंग इनटू इट, भूख लग गई है। बाकी भाई कुलचे उलचे खा लिए और दिन का इख्तिताम करेंगे डिस्को चाय पे। ये अल्हारा कैफे यहाँ की डिस्को चाय मशहूर है और डिस्को चाय का ज़रा कलर चेक करा दें, थोड़ा लाइट में आ जाए। ये इतनी मोहब्बत से बनाई गई चाय है, इट्स मेरी नज़र में ये नंबर वन चाय है दुबई की। लोग फिली कहते हैं, मुझे फिली इतनी ख़ास समझ नहीं आती, तो ये अल्हारा कैफ़े आपने ज़रूर आना है। साथ में ये मारा मारी जूस है, या मारा मारी होती है जूस के लिए, ऑल जोक्स बट दिस इज लाइक द बेस्ट चाय भाई। आप डिस्को चाय जब भी आएंगे, ज़ाहिर अकेले नहीं आएंगे दोस्त के साथ आएंगे, तो जैसे ही ये टी बॉय आए आपने इसको ऑर्डर देना है रंड डिस्को। क्या रंड डिस्को? यानी कि दो डिस्को चाय, कुछ और ना समझे, रंड मलयाली में दो को कहते हैं, उन रंड नूर नाल, और फिर आगे तक ये जाती रहती है। सही है ना, जरा पहला बता दूँ।